अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं खतीब तिहामी बहुत अफसोस के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। अलशिफा हॉस्पिटल में मेरे छोटे वाले भाई की वाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, उसके डिलीवरी का टाइम था, उसको यहाँ पर हम लेकर आए, उसको फिट भी आया और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में थी, उसको इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर ये काउंटर पर मैडम है अलशिफा हॉस्पिटल में, ये बिलिंग पर 2 घंटे से इन्होंने हमारा बेवकूफ बना रखा है। देखो ये बिल काउंटर छोड़ के भाग गए सारे, ये बिल काउंटर ये छोड़ के भाग गए। ये मैडम है यहाँ पर, ये और ये पूरा स्टाफ है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हुआ ये कि इन्होंने जब एडमिशन के पेपर्स वगैरह बनवाए तो इन्होंने ये बोला कि आपको 3 पैकेज मिलेंगे इसके अंदर, एक 26,500 रुपए का, एक 36,000 रुपए का, एक 52,000 रुपए का, कुछ करके। हमने इनसे 3 दिन का 26,000 रुपए वाला पैकेज ले लिया और उस पर इन्होंने ये बोला कि भाई आप पेमेंट कर दीजिए। हमने इनको 15,000 रुपए फॉरन पेमेंट कर दी। हमने कहा आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। इन्होंने क्या करा, क्लियरेंस नहीं लिया हमें। उसके बाद पेपर वेपर बनवाकर जब हम अंदर लेकर गए ओटी में, तो वहां जाकर इन्होंने, वहां से डॉक्टर ने बोला आप क्लियरेंस लेकर आइए। तो मैं इनके पास आया तो इन्होंने पता है क्या बोला कि आप पहले पेमेंट पूरी कीजिए। ये दिल्ली का मुझे लग रहा है वाहिद हॉस्पिटल ऐसा है, ऐसा तो एस्पोर्ट्स में, मैक्स में और किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी नहीं होता होगा कि पहले ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट से सारी पेमेंट ले लेते हैं। बताइए आप मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करा अभी और कह रहे हैं कि आप हमें सारी पेमेंट दीजिए तब जाके हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अभी क्लियरेंस देने को तैयार नहीं। और जो मेरी भावज है उसकी जिंदगी मौत का सवाल है। डिलीवरी सिचुएशन इतनी खतरनाक, उसकी तबीयत अभी खराब हुई थी कि उसको फिट आया था, दौरा पड़ गया था उसको, वो 2 घंटे से एडमिट है। वहां का डॉक्टर कह रहा है कि आप क्लियरेंस लेकर आइए। मैंने जब इनसे आके बोला कि भैया मैंने आपको अभी 15,000 रुपए जमा करे हैं, तो इन्होंने बोला कि 15,000 रुपए से कुछ नहीं होगा, आप पहले पूरी पेमेंट कीजिए। मैंने इनसे बोला मैं आपकी पेमेंट का 1 रुपया भी नहीं रोकूंगा, बट आप ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कीजिए। 2-2.5 घंटे हो गए मैं मुसलसल यहाँ पर खड़े हुए, 2-2.5 घंटे से इन्होंने अभी तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करा। और जब मैंने ये बोला इनसे कि भैया ऐसा है आप हमारे पैसे वापस कर दो 15,000 रुपए, हमें ट्रीटमेंट नहीं करवाना, हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे की और माँ की दोनों की हालत खराब है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये पैसे भी रिफंड करने को तैयार नहीं है हमारे। इतनी बदमाशी चल रही है भाइयों मेरे, ये अलशिफा हॉस्पिटल का केस है।